अनुपम खीर जो है वो बोल रहे हैं अमरगाम के ऊपर मेरे ख्याल में, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू करते हैं। कौन उन करते हैं जी मोहम्मद स्टार्ट। टॉलरेंस वर्ड को पिछले 8 महीनों से पहले सुना था या इंटॉलरेंस को? नहीं सुना था। यह मार्केट किया गया है, क्योंकि यह हार जो शिकस्त हुई है इतनी बुरी तरह से ऑपोजिशन वालों की, उस शिकस्त का बदला लिया जा रहा है। कैसे लें बदला? प्राइम मिनिस्टर पूरी मेजोरिटी से जीता है, 282 सीटें आई हैं, एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। कैसे बन गया? हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलामी की आदत है हमें अंग्रेजों से, मुगलों से, और अब बाहर के कुछ लोगों से हमें गुलामी की आदत है। ये कैसे बन गया प्राइम मिनिस्टर भाई? भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है? पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार की कोई बात हुई है क्या? और पिछले 10 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई, 2G 3G, ये जी वो जी ओ जी, यही बातें होती रही। अब भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है तो क्या करें? कैसे कोई ऐसा वर्ड निकालें और पूरी दुनिया में फैला दें, वी गॉट द वर्ड, लेट्स से दैट ही इज इनटॉलरेंट। फैलाओ इसको, टॉलरेंट, इनटॉलरेंट, सो मच सो दैट दादा हैज टू टॉक अबाउट इनटॉलरेंस इन दिस कोलकाता क्लब। दिस इज अ नो डिबेट सर, पीपल आर टॉलरेंट। यू नो हु आर टॉकिंग अबाउट इनटॉलरेंस? द इंटेलेक्चुअल्स, द रिच, द फेमस, हु ट्रेवल विद 20 बॉडीगार्ड्स एंड टॉक अबाउट इनटॉलरेंस। इफ यू आस्क अबाउट अ मैन ऑन द स्ट्रीट, भैया इनटॉलरेंस और क्या इनटॉलरेंस, क्या इनटॉलरेंस, उससे भी डिफिकल्ट वर्ड है असहिष्णुता। भैया हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बड़ी बात है, मुझे नहीं बात करनी है इनटॉलरेंस, मैं तो काम करता हूं अपना। तो जो 5-स्टार होटल्स में जो वो कल्चर है, जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम, वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम सच एन इनटॉलरेंट कंट्री। अनुपम खेर मार्च निकालते हैं स्वतंत्रता के लिए, हिंदुस्तान के बारे में मार्च निकालते, बोल दो ये तो चमचा है। अनुपम खेर को पद्म भूषण मिलता, बोलता है इसलिए मिलता है क्योंकि चमचा है। बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं, आई नेवर थॉट आई वाज सो इंपॉर्टेंट अ पर्सन, एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। सर टू यू सर, आप बोलते हैं एंटी नेशनल, और 46 साल के आदमी को आप यूथ आइकॉन बोलते हैं? नहीं सर, जिस दिन राहुल गांधी साहब, मैं चाह रहा था नाम ना लूं लेकिन नाम देना जरूरी है, जिस दिन राहुल गांधी साहब नरेंद्र मोदी के 1/10 भी होंगे मेरा वोट उनको जाएगा। 5 साल तो दीजिए, काम तो करने दीजिए देश के लिए। आपने बर्दाश्त किया 10 साल एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो चुप रहा? 10 साल आपने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त किया सरकार? और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है आज बाहर के मुल्कों में जाकर, जब मैं बाहर कहता हूं क्या बात है, आपका प्राइम मिनिस्टर बहुत डायनेमिक है, नॉट बिकॉज ही स्पीक्स वेल, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया। ही हैज नॉट टेकन अ सिंगल हॉलीडे एंड हिज दिवाली इज ऑलवेज स्पेंट इन कश्मीर। ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड कश्मीर थ्राइस ऑन अ दिवाली डे। ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, मगर आप पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये बोल के कि हमारे देश में बहुत इंटॉलरेंस है। इंटॉलरेंस है क्या? इंटॉलरेंस ये देखिए, टॉलरेंस ये लोगों को, ये है टॉलरेंस कि आप सबकी बात सुन रहे हैं और किसी ने हूट नहीं किया जस्टिस गांगुली आपको। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। आई हैव सीन यू ऑन टेलीविजन सर, व्हेन द कैमरा वाज गोइंग ऑन टू योर फेस, हाउ यू वर गेटिंग इनटॉलरेंट अबाउट कैमरा। डोंट डू दैट माय फ्रेंड्स, दिस इज अ ग्रेट कंट्री, लेट्स टॉलरेट द इनटॉलरेंस ऑफ दीज पीपल। यू नो व्हाट आई थिंक, हु इज द मोस्ट टॉलरेंट पीपल इन दिस कंट्री इज कांग्रेस। They're tolerating a person who they want to project as a prime minister of this country and can't even say to each other that we are wrong, we are so sorry, this is our prime ministerial candidate. Means they must be talking to each other, kya kare, phas gaye, kahan phas gaye hum log bhai. That is the tolerance that you have shown, but show that tolerance once in parliament and let the parliament function, sir. If you can tolerate that person, then you can tolerate anything in the world.
ये वीडियो खत्म हो गई और इंटॉलरेंट की बात हो रही थी। अब देखा जाए तो भाई साहब, हिंदुस्तान की जो पहले इमेज था दुनिया में, अब उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उठ चुका है, क्योंकि नरेंद्र जी मोदी जी के आने के बाद जो है ना, कंट्री का जो नाम है वो भाई पूरी दुनिया में फेमस है। सही बात। पहले फेमस किस चीज़ में था? भूख और गरीबी में था। इकॉनमी जो थी इतनी अच्छी नहीं थी, और अब जो हर चीज जो इंपोर्ट करनी पड़ती थी। अब जो है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अब कंट्री के जो वैल्यू है, नाम है, वो बदल चुका है भाई साहब। अब किस में आता है? टेक्नोलॉजी में आता है इंडिया का नाम, मेडिकल में आता है, आईटी में आता है, हर शोबे में आता है, नाम में जाने का आता है, बिल्कुल सब कुछ उसमें। इसरो भी आती है, बाकी डिफेंस सिस्टम में देख लो अच्छी है। इंडियन आर्मी की बात कर लो, वो भी दुनिया के जो टॉप नंबर है 5 में आती है। इंडिया की आर्मी 4th नंबर पर आती है दुनिया की पावरफुल आर्मी। अभी मशक करने उधर बाहर वाली कंट्री से लोग इधर आते हैं मशक करने के लिए इंडियन आर्मी के। वो इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी देखा जाए तो हर किस्म के इलाके जगह 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 तैयार होता है, पहाड़ी इलाके भी है, समुद्री भी है, सारे हर किस्म के इलाके, तो इसीलिए दूसरे जो है मशकें करने के लिए आते हैं। अमेरिका के भी आए थे। और बाकी भाई साहब कांग्रेस की बात करें जो, तो नकुम खीर जो बात कर रहे थे, तो जिसको बर्दाश्त किया मनमोहन सिंह जी, और वो तो बिल्कुल भाई मैंने कई वीडियो देखे, वो तो बिल्कुल खामोश बंदे थे। वो तो क्या कहते हैं, एक चुप सौ सुख, चुप वो उनकी सरदारी के सरदारी के आपको बोलते हैं। वो इकोनॉमिस्ट अच्छे थे, इकोनॉमिस्ट अच्छे थे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उतने दमदार नहीं थे। और बाकी भाई साहब नरेंद्र मोदी कमाल है भाई साहब, इतने बड़ी पॉपुलेशन को लेकर चलना, और जिस हिसाब से अब इंडिया ग्रो किया है ना इन सालों में नरेंद्र मोदी के आने के बाद, ये पहले नहीं हुआ। इंडिया का भाई दबदबा है, रोब है, दूसरी मजे की बात यह है कि दूसरी कंट्री के साथ आपका रिलेशन कैसा है। इन हालात में जब रशिया और यूक्रेन की वार में अमेरिका के प्रेशर डालने के बावजूद, यूरोपियन कंट्री के प्रेशर डालने के बावजूद, इन्होंने अपनी ट्रेड उनके साथ बंद नहीं, ट्रेड भी रखी और दोनों कंट्रियों के साथ संबंध रखा। रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं, अमेरिका से भी बात चला रहे हैं, उधर भी ट्रेड। जिस तरह रूस ने इंडिया का मुश्किल वक्त में सहारा बना रहा, इस तरह इंडिया भी बना रहा, बिल्कुल कुछ ना कुछ भी, लेकिन अपना रोल अदा किया। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब तमाम कंट्री को इकट्ठा लेकर चलना आसान काम नहीं है, और ये पॉलिसी है। और पाकिस्तान की बात करें तो भाई साहब एक तरफ झुकाव हो जाता है, और इतनी हिम्मत नहीं होती कि दूसरे को भी साथ लेकर चलते। जितनी देर तक वो पैसे डॉलर देते हैं उतनी देर तक झुकाए उधर ही, जब वो बंद कर देते हैं तो फिर और साइड देखते हैं भी, और भी हमें को देने वाला। और बाकी भाई मोदी जी साफ जाहिर है कि अब जो है आवाम जाग चुकी है, पहले जो थे वो अच्छा सर हो रहे थे, कांग्रेस वालों को ज्यादा चुपता है, एक चाय बेचने वाला नीचे से उठकर कैसे पी भाई, कईयों को चुपता है, कईयों को चुपता है अब, लेकिन ये है कि उसने तकदीरें बदल दी है, अब नीचे से अपनी भी बदली और तकदीरें बदल दी है भाई। वो भाई साहब कमाल कर दिया, अब देख जब नीचे से उठ के आए ना तो साफ जाहिर है जो नीचे वाले तबके वो समझते हैं क्या भूख और गरीबी कैसी होती है भाई। इसीलिए हमारा वो पीछे है ना, यहाँ तो दौलत सिर्फ चंद एक हाथों में है, वो जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं उनको क्या पता है गरीबी मजदूरी। जैसे बिलावल साहब है, ऐसे लीडरों को ना बॉयकॉट करना चाहिए जो भाई खानदानी तौर पर कंट्री के ऊपर। एक बंदा जिसने जिंदगी बाहर गुजारी है वो पाकिस्तान के कल्चर को क्या समझे, ऐसी ऐसे के लिए वो क्या बेहतर करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ठीक है भाई, बड़ी अच्छी लगी वीडियो देख के, और कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब एक बंदा सच्चाई की बात कर रहा है, अनुपम खीर जो बात कर रहे थे, अब उसको चमचा बोलेंगे, मोदी जी की साइड ले रहे हैं, तो भाई साहब जो सच्चाई की बात करते हैं उसको चमचा मत बोले, आप भी थोड़ी सी सच्चाई हकीकत को मानना चाहिए। आप देख सकते हैं कंपैरिजन कर ले, जिस भाई को डाउट हो कंपैरिजन कर ले, आज इंडिया कैसा है और पहले कैसा था। इंडिया में स्मार्ट सिटी बने जा रहे हैं, और जो स्मार्ट सिटी है और बाकी जो वेस्ट होता था उसको भी यूटिलाइज किया जा रहा है, तो कंट्री की तरक्की तो हो रही है भाई। रोड बनाए जा रहे हैं, कमाल की ब्रिजे बनाए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी ऐसी नई नई ट्रेनें, बुलेट ट्रेन भी आने जा रही, तो भाई किसके दौर में भाई।
मोदी जी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां सबसे बेनिफिट तो बड़ा वही है। बिल्कुल, तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।